मैंगो शेक देखते देखते मुंह में पानी आ गई ना, तो चलिए इसकी रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं बनाना, जो कि है बहुत ही इजी और बहुत ही यम्मी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दो फ्रेश हमें क्या लेना है, मैंगो लेना है और अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसे कट करेंगे और इसका पल्प को एक एक करके हमें निकाल लेना है अच्छी तरह से। एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, उसमें एक एक करके इसका पल्प को डाल लेंगे। पल्प डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें मिल्क लेंगे, मिल्क आप एकदम चिल्ड मिल्क लें। और उसके बाद हमें शुगर एक चम्मच मैं इसमें यूज़ करूँगी। आम बहुत ही मीठा है तो ज़्यादा शुगर का यूज़ ना करें आप, इसके अपने आप शुगर का यूज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, दोनों को मिक्स कर लेना और अच्छी तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसमें मैंगो शेक का एक स्पेशल चीज़ ये है कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसे अभी ऐड नहीं करूँगी, मैं इसे गार्निशिंग के टाइम ऐड करूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक बाउल में निकाल लेना, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितना थिक दिख रहा है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसका जो एक्सेस मटेरियल जो था ग्राइंडिंग में, उसमें मिल्क डाल के हम इसे निकाल लेंगे। दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ग्लास लेंगे। ग्लास में सबसे पहले तो हम चिल्ड चिल्ड बर्फ़ लेंगे और दोनों को डालेंगे अच्छी तरह से, और ये जो पेस्ट जो हमने बनाया था मैंगो का वो डालेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हो ये बहुत ही गाढ़ा है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। इस तरह से सर्व कर ले। उसके बाद लास्ट में ऊपर से हम क्या करेंगे, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ और चेरी सब गार्निश करें। ये बहुत ही अमेजिंग लगती है रेसिपी, ज़रूर रेसिपी ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।